ओके चलिए सबसे पहले तो वी विल कम टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है. चलिए बताइए फटाफट 5 सेकेंड 10 सेकेंड उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको. जल्दी जल्दी बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. स्टैटिक मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. चार्ज पार्टिकल्स की स्टडी एंड द चार्जेस आर एट रेस्ट. बहुत बढ़िया बहुत सही. तो सबसे पहले आप बोलोगे इसका डेफिनेशन. सो द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे. उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस what are the other things ye to aapka definition apart from this what are the other things that we will study. to dekhiye aap isme jo charges ki wajah se force charges ki wajah se jo field rahega charges ke wajah se jo potential generate hoga ye sara kuch hum electrostatics mein padhe. now let's come to the next question. What is charge? Charge क्या है बताइए. See now remember उसका ऐसा कोई definition नहीं है. Property बहुत बढ़िया excellent very good. So ये बहुत बहुत परफेक्ट आंसर यही है कि जैसे हमारे पास होता है मास. व्हाट इज मास. तो ऐसा हम कुछ डेफिनेशन नहीं. हाँ मास तो है. मास तो होता है. वैसे चार्ज भी होता है. इट इज अ प्रॉपर्टी करेक्ट. इट्स अ क्वांटिटी करेक्ट परफेक्ट. तो वो एक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है. अब ये बहुत इजी होता है बोलने कि हाँ चार्ज क्या है कि जब हम इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी. तो जिसको हम कैसे पहचानते हैं. जिसको हम पहचानते हैं फोर्स के थ्रू कि भाई जब आप कोई चार्ज रखोगे दूसरे के पास दूसरे चार्ज बॉडी के पास तो फोर्स एक्ट होगा या उसका फील्ड होगा. तो ये उसके इफेक्ट्स होगा राइट. तो चार्ज के बेसिकली इट्स योर Ohm has said this correctly. It's your fundamental property. It's a property of matter. चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. और ये आपको आता ही है कि चार्जेस को हम अगर क्लासिफाई करें तो कौन से दो टाइप के चार्जेस होते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज. एक्सेलेंट. सो पॉजिटिव नेगेटिव राइट. तो ये हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हो गए. सो दीज आर अपना टाइप्स. नाउ द एग्जाम्पल दैट यू वर गिविंग मी कि आप लोग जो एग्जाम्पल दे रहे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए कि जब आप बोला आपको बोला जाएगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है तो वो इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कौन है तो वो प्रोटॉन. ये तो पता चला कि भाई जब आपके पास में एटम है न्यूक्लियस है बाहर कौन घूम रहा है. बाहर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये ग्रीक्स को 600 BC मालूम था कि भाई ऐसा प्रोसेस होता है ऐसा चार्जिंग होता है वगैरह वगैरह. तो क्या होता है जब आपने दो बॉडीज लिया एक ग्लास है एक सिल्क क्लॉथ है आपने उसको रब किया तो रबिंग की वजह से मतलब बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से तो रबिंग की वजह से एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स चले गए दूसरे बॉडी में. तो जिस बॉडी पे गए
वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, वो बन जाएगा नेगेटिव नेचर। और जिस बॉडी से गए वो हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब एक एग्जांपल, जैसे अगर आपके पास एक ग्लास और आपके पास में है लेट्स से फूड, ऑन रबिंग हमने रब किया, लेट अस से फूड से इलेक्ट्रॉन्स आ गए ग्लास पे, सो ग्लास विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड फूड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हुआ है, दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने चार्ज किया है बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। क्या आपको और कोई प्रोसेस ऑफ चार्जिंग याद आ रहा है? क्या आपको कोई और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग याद आ रहा है? चार्जिंग का कोई प्रोसेस आपके ध्यान में आ रहा है? कंडक्शन, कंडक्शन। सोचिए सोचिए, प्लीज सोचिए। कंडक्शन, ओके। और कोई प्रोसेस? करेक्ट, एक और प्रोसेस है कंडक्शन, बहुत बढ़िया। तीसरा, एक कंडक्शन हो गया, एक तो हमने फ्रिक्शन देख लिया, फिर एक अभी कंडक्शन बताया, एक और नाम है कैपेसिटर। कैसे बनता है? हाँ, दैट इज इंडक्शन। सो फ्रिक्शन, कंडक्शन, तो अगर हमको चार्जिंग करनी है तो चार्जिंग करने से रिलेटेड ये हमारे पास है। अच्छा, अब जब हम आ गए हैं चार्ज पे, तो बताइए इसका यूनिट क्या, चार्ज का एसआई यूनिट क्या रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड तन्वी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। वेरी गुड ध्रुव। SI यूनिट है अपने पास में कूलम। फॉर्मूला, किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है? वेरी गुड तन्वी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर आपको करंट याद है, करंट के टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, करंट इज द रेट एट विच चार्ज इज फ्लोइंग। सो I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो जब आप फॉर्मूला लिखते हो, सो क्यू आप कैपिटल भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट। वेरी गुड विशाल। तो इसके मदद से डाइमेंशंस बताइए प्लीज। मदद से डाइमेंशंस बताइए। आई है आपके पास और टी है, एल है क्या? नहीं है। एम है क्या? नहीं है। तो एल जीरो, एम जीरो, आई वन। वेरी गुड, वेरी गुड नेहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इससे आपका फर्स्ट चैप्टर के साथ कनेक्ट बना रहेगा। Also note, it's a scalar quantity.
नाउ क्योंकि हमने ये फॉर्मूला लिखा है तो आप इसकी मदद से चार्ज का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड द चार्ज विल बी 1 कूलम। तो एक्चुअली वो हम कूलम का डेफिनेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चलिए इसको नोट डाउन करते जाइए। से दीज आर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बट ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है जो अपने को आते हैं। ये सारा कुछ हमको मालूम है, ये सब कुछ हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है बट वी जनरली टेंड टू फॉरगेट इट। लिख रहे क्या? Is it done? Can I remove this now? Yes, sir. Okay, चलिए, let us quickly go through the properties of charges. Additive properties. Additive property मतलब क्या? एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? वी कैन एड द चार्जेस, हम चार्जेस को एड कर सकते हैं डायरेक्टली। शाबाश। तो इफ आई हैव +3 एंड इफ आई हैव -6 सो द आंसर विल बी -3 सो द साइन विल परसिस्ट सो इट इज टू बी टेकन अलोंग विद द साइन। क्योंकि हमको बारे में दो टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। तो मास के जैसे देखिए मास और चार्ज में ये फर्क है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता बट चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है और चार्ज जीरो भी हो सकता है। क्या ये सब पॉइंट्स मास में वैलिड है? Mass is always positive. So charge और mass के बीच में भी distinguish between आ सकता है, ठीक है? Now this relates to your gravitation. अब बोलोगे कि यार ये क्या mass के साथ में क्या logic लग रहा है इसका? तो mass के साथ में इसका logic अभी जब हम force पे चलेंगे अगले lecture में तब आपको इसका logic समझ में आएगा कि mass के साथ में क्यों इसको compare किया जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ चार्जेस। नाउ ये पॉइंट भी अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। करेक्ट बात है। लाइक चार्जेस क्या करने वाला है? रिपेल। अनलाइक चार्जेस क्या करने वाला है? अट्रैक्ट। Agreed है? Point याद आ रहा है? I don't think कि ऐसा कोई होगा जिसको ये मालूम नहीं होगा। बराबर है? Now come to mass. Mass में क्या कौन सा रूल अप्लाई होता है भाई? बताओ। अगर दो masses हैं, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? जल्दी जल्दी gravitational force is which type of force? Attractive ki repulsive? Attractive. So in case of masses, only attractive forces are possible. But in case of charges, aapke paas mein attractive and repulsive forces hota hai. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसा कि हमने सुना है एनर्जी के बारे में, सेम चीज चार्ज के बारे में भी होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्जेस। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाते। तो आप
चार्जेस को लाइक एनर्जी, जैसे बोलते हैं लॉ ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो वो जो आपके तीन पॉइंट थे वो सेम तीन पॉइंट आप चार्ज पे अप्लाई कर सकते हो. बट इज द सेम थिंग ट्रू अबाउट मास? हाँ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. लॉकडाउन में तो ये कोई नंबर बोलो यार, सब लोग 5-5, 10-10 किलो बढ़ा के बैठे हो अपना, और मास कैन नॉट बी क्रिएटेड ये बोल रहे हो तुम. मास क्रिएट हुआ है सबके ऊपर, है कि नहीं भाई, हुआ है कि नहीं? जो एक्सरसाइज करते हैं उनके ऊपर नहीं होगा, बाकी सब हम लोग के जैसे खाने पीने वाले लोग का तो डेफिनेटली हुआ है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमको ऑब्जर्व करने को मिलता है किसमें? चार्जेस में. बट क्या मास में ऐसा होता है? नहीं होता. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. आइंस्टाइन ने क्या बोला था? ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, मतलब मास कन्वर्ट होता है किसमें? एनर्जी में. तो मतलब आप मास को एनर्जी, एनर्जी को मास बना सकते हो, मतलब आप मास को क्रिएट कर सकते हो, पर ऐसा कुछ भी चार्ज के साथ नहीं होता. राइट? ओके, लास्ट वन इज क्वांटाइजेशन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइजेशन? तो जब हम चार्ज पे आते हैं, सी जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो है एक इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन से छोटा हमारे पास कुछ नहीं है फिलहाल. सो आप बोल सकते हो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है. वेरी गुड. मेरे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन है, 30 है, 300 है, 30,000 है. बट हम नहीं बोल सकते कि मेरे पास 1.23 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं. हम नहीं बोल सकते कि मेरे पास 1.75 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मैं बोलूंगा मेरे पास 2.25 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगा. तो वी से क्यू इज इक्वल टू, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इट इज एनटी. तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मास में ऐसा होता है क्या? मास में ऐसा होता है नहीं. अपन तो लेते हैं ना, 1.25 किलो आलू दे दो, 1.5 किलो टमाटर दे दो, है ना, 100 ग्राम कुछ तो भी दे दो. तो क्वांटाइजेशन मास में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट गिवन